तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम है, बच्चे भी उठ गए हैं और इधर बन रहा है नाश्ता, जैसे कि नाश्ता क्या लंच बच्चों के लिए जो लेके जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आज तड़क का जो है वो करारा बन गया, जीरा जो है ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। इतना मैं प्याज डालती रहेगी, इतना वो तेल गर्म हो रहा था। और इधर बन रहे हैं छोले उबलने, रखे उबले हुए क्या? मैं तो रात को ही उबाल दी, टेंशन नहीं। ठीक है। और रही गई हुई है नानी और पीहू की, हो रही है तैयारी फटाफट। वैसे दो बाथरूम हो गए तो फायदा, एक बार नाल लेके रहेगी। हाँ, दो तो है ही गए हमारे, ज्यादातर तो दो ही रहे ज्यादातर ना। रोही जल्दी आ जाओ बेटा, बस होगा पानी इसका भी ना, फटाफट पीहू भी नहालेगी और उसके बाद सही है। चीजें तो सारी सही है, इंसान को इतनी फैसिलिटी चाहिए होने लगी कि बस वो फैसिलिटी में ही रोड़ लिया आज के टाइम में। अपने लिए तो जी नहीं रहा, अपनी फैसिलिटी देख रहा। नहीं किचन में तो वो वाला लगवा दियो, चाहे जो पिछले साल लिया था वो वाला लगवा दियो, चाहे और चाहे किचन का तो ऑप्शन छोड़ रहा हुआ क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। ये इन्होंने बड़ा रखा था होल, तो इसलिए फिर इस तरीके से करके लगवा रहा ज्यादा ही नाप ले ली थी उन्होंने, तो बड़ा लग जाता इससे, इससे बड़ा साइज भी तो आता है। उन्होंने तो ठीक लगा दिया, अरे ठीक है क्या जरूरत है, चमाया है फिर मैंने। आवाज तो नहीं कर रहा है ना, इतने में का था कब करा था। फ्रेम ही बनेगा इसका एक और बाप तो लग गया, फिर ड्रिल होएगी टाइट हो रहा है। तो तीन तो लग रहे इसके, एक ही तो नहीं लग रहा। चलो और सुबह का टाइम हो गया है, आज गई है सिर्फ पीहू स्कूल क्योंकि आज दोनों बच्चों की है छुट्टी, दोनों की क्या तीनों की ही छुट्टी है। पर जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा ना, सिर्फ स्पेक्ट्रम सा कुछ है इनके स्कूल में, और 32 पता नहीं 34 कितने स्कूल हैं जो इनके स्कूल में आके परफॉर्मेंस देंगे, कुछ कंपटीशन टाइप कुछ है क्या है। तो पीयू ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, बाकी दोनों बच्चों का था नहीं, या शायद क्लास तक का था उनका कि इस क्लास तक के बच्चे कर सकते हैं। तो पीयू स्कूल चली गई थी, बाकी मैं पीयू के डैडी रूही और कृष्णा हम लोग हैं यहीं पर। पीयू के डैडी अभी गए हुए हैं बाहर किसी काम से और ये रूही देवी है। छुट्टी वाले दिन तो ये काम चलता है बच्चों का, और इसका छोड़िए कृष्णा को देखिए आप, हमारे कृष्णा कितना कमेरा हो रहा। कृष्णा तो यूं सोच रहा बिल्कुल, ये देखो कितनी बेचारा मेहनत कर रहा, ये देखो भाई ये कपड़े ठीक इन्हें अच्छी तरह पहन, अगर पहन भी रहा तो अच्छी तरह पहन ना करें, पहली तो बात जर्सी स्वेटर जैकेट कुछ पहन ले। चल चलिए कृष्णा कहना मानते हैं बेटे। और आज ना यहाँ वाली साइड दीवारों पे टाइल लगवाने की सोच रहे कि आज यहाँ पे बाहर की तरफ टाइल लग जाएगी। तो कल जब हम लोग कालका गए थे तो तब भी सोच रहे थे कि टाइल लेते आए, लेकिन तब क्या हुआ कि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होगा तो फिर इस वजह से हम लोग आ गए थे। मैंने कहा चलो फिर ले लेंगे। तो पीहू के डैडी कहाँ गए मुझे तो पता नहीं है, कहाँ गए डैडी? अच्छा तो ये गेट उतरवाना है ना जी हमें, बड़ा जो मेन गेट है हमारा ये उतरवाना है, इसको छोटा करवा के अंदर की साइड लगेगा, अभी तो ये बाहर की साइड है, फिर इसको कटवा के यहाँ वाली साइड लगवाना अंदर वाली साइड। तो बाहर की साइड भी क्योंकि टाइलें लगेंगी, यहाँ पे सारे में टाइलें लगेंगी, इधर भी और इधर भी सारे में को। तो जी खैर, और बस अभी आज जैसे शुक्रवार है, आज आ जाएगी सुनीता भी, शाम उसका मैसेज आया था रात की, दीदी मैं कल को आऊँगी। मैंने कहा चला जाइए भाई, और इस टाइम थोड़ी सी उसे ज़रूरत भी होगी क्योंकि बातचीत कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा मन का दुख कम हो जाता है। तो खैर जब तक वो आती है तब तक मैं अपना साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ कर लेती हूँ। और नाश्ते में मैंने पीहू को बना के दिए थे मेथी के पराठे, तो आटा रखा हुआ है वही फिर मैं नाश्ते में बनाऊँगी। तो चलिए जी खैर फटाफट से जो है हम करते हैं अपना काम शुरू।
तो जी हमेशा की तरह हम शुरू हो गए हैं अपने काम पे। सबसे काम रहता है ये खाना वगैरह तो बन जाता है, सुबह नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए तो बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह जो है वो रख रही थी, और आज सुनीता आने वाली थी। रात के टाइम उसका मैसेज आ गया था कि दीदी मैं कल को आऊँगी। मैंने कहा चला जाइए भाई, मैंने उसे इस बीच में बुलाया भी नहीं, फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा जब उसका मन होगा खुद वो तब आ जाएगी। तो फिर वो आई थी बाद में, और आके ना वो उस टाइम मेरा मतलब कैमरा नहीं चल रहा था, सारी चीज़ें बंद थी और मुझे सही भी नहीं लगा कि मैं उस चीज़ को शूट करूँ या कुछ। आके वो बहुत देर तो रोई मेरे गले लग के, बहुत देर तक रो गई मैं भी। मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम लोग सेम दुख से गुजर रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं उसे चुप करूँगी रोने के लिए तो वो फिर अंदर ही रह जाएगा, और जो परेशानी अब मैं फ़िलहाल फ़ेस कर रही हूँ वो भी उसी चीज़ को फ़ेस करेगी, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो आई, बहुत देर तक रोती रही खड़ी हुई, तो मैं अभी मैंने उसे चुप नहीं किया। मैंने कहा चल इसको रोने दो, अंदर का निकल जाएगा। दुखी थी बहुत, बस फिर ये है कि पेट भगवान ने ऐसी जगह लगाया हुआ, ये मजबूरी ऐसी है कि इंसान चाहे ना चाहे उसे करना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर वो अपने काम पे आ गई थी। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, और सच में उसे देख के मन बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि रो वो रही थी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना ही दुख आगे आ रहा हो बिल्कुल। तो बस मैं क्या चलो छोड़ दो भाई, क्या क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सकते इस वाली चीज़ में, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग चाह के भी। तो मैं कहा चलो भाई, उसके आने से पहले मेरी जो है साफ़ सफाई वगैरह मैं वो कर लेती हूँ, वही जो हमेशा की तरह मेरा काम होता है तो वही मैं कर ले रही हूँ। और उसके बाद आके वो अपना देख लेगी जो करेगी। मुझे पता था कि भाई वो आएगी तो थोड़ा सा तो देखिए परेशान होगा, पर मुझे ये था कि चलो बात करेगी, मुझे ये नहीं था कि वो रोए रोने लगेगी मुझे देख के। ऐसे ही उसने गेट पे से मुझे देखा और बस देखते ही वो वहीं से ही आ गए, एकदम से ऐसे चिपट के रोई। और पीयू के डैडी भी उसे देख के मतलब परेशान हो गए एकदम से, ये भी कि हाँ भाई वो रो रही। तो इन्होंने भी नहीं कहा कुछ भी, बल्कि इन्हें नाश्ता वगैरह करना था या कुछ भी, तो इन्होंने मांगा नहीं, अपने आप ही लेके ये खाने लगे कि चलो कोई नहीं भाई, वो टाइम ऐसा था कि ज़रूरत थी। और मुझे तो ये पता है कि जब दुख अपना है तो वो अपने साथ रहती है सारा कुछ, तो उसकी भी चीज़ें वही है सारी की सारी कि भाई देखे दुख तकलीफ़ होती है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप किसी के सुख में चाहे खड़े हो ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता आज अगर हम किसी का मजाक बना रहे ना, या किसी के दुख को देख के हंस रहे, या मतलब उसकी बातें बना रहे या कुछ भी कर रहे, तो उसमें यह है कि पता नहीं लगता कि कब राम जी वही चीज़ अपने ऊपर कर दे। कहते हैं ना कि राम जी की लाठी में खड़का नहीं होता, और जब वो पड़ती है ना तो बस फिर ऐसे पड़ती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म हो रहा। तो इसीलिए हमेशा अपना थोड़ा सा भगवान से डर के रहना चाहिए कि नहीं भाई कुछ नहीं पता कि आज हम सुखी हैं और अगले ही सेकंड में क्या कर दे। तो खैर देखिए कमरे में भी मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी सारा, और फिर ये उसके बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा भी खुद का मन परेशान हो गया था इसको देख के जब ये रो रही थी। तो फिर भी मैं इससे मतलब बातचीत सी मैं इससे करती रही, मैंने कहा जिससे कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा ठीक सा हो, बातचीत करती रही, मजाक करती रही, इसके साथ हंसती बोलती रही, तो जिससे कि क्योंकि वही है कि जब हमने किसी चीज़ को देखा हुआ है ना तो हमें पता है कि उसमें कैसा महसूस होता है और उस टाइम हमारी सोच क्या रहती है कि क्या करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए बस यहाँ पे मैं बल्कि पीछे से भी इसके साथ बोल रही थी, मैं आते जाते भी इस टाइम में कुछ कर रही थी अंदर जाके, तो यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ। फिर मैं आई, फिर मैं इसके साथ और बोली चाली सी सारा कुछ, इसने बताया भी बाद में काम करते करते इसने मुझे बताया सारी चीज़ें कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ था जब मैं गई, ऐसे था वैसे था। तो फिर वही चीज़ें जो लोग हमें समझाते हैं ना, जो आप लोग मुझे समझाते हैं, वही मैं इसे समझा रही थी। लेकिन समझाते टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब दूसरों को कहना आसान है कि भाई ऐसे ना कर सुनीता, या रो मत उन्हें दुख होगा, लेकिन बारी जब अपनी आती है ना तो तब कोई समझ, कोई चीज़, कोई सोच काम नहीं आती। बस फिर तो ये होता है कि पता नहीं मतलब क्या ही कर दे। तो ये चीज़ होती है जब अपने पे बीतती है ना तो तब पता लगता है। तो देखिए बस यहाँ पे उसने कर लिया है अपना, और मैं नहाने धोने चली गई थी शायद इस बीच में, पता नहीं क्या कर रही होंगी मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, और बस इसी तरह दोनों ने लग मिल के कर लिया था काम, ज़्यादा तो
मैंने इसे बोला नहीं, मैंने इसे यही बोला, मैंने कहा जो तुझे करना भाई वो कर ले जिसमें तू कंफर्टेबल लगती है, बाकी जो है अपना होता रहेगा धीरे धीरे, काम तो यही है, काम कहाँ जान लग रहा, आज छोड़ देंगे कल को करना, कल को छोड़ देंगे परसों करना, करना ही करना हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे अब आई थी मैं यहाँ पे इसके पास, मैंने कहा ला चल थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं बोल चाल में रही थी, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके साथ मजाक कर रही थी, मैंने कहा चलिए खुश से हो जाए मन थोड़ा सा इधर उधर, हालांकि होता तो कुछ नहीं है, मतलब ये कि भाई कुछ हो जाए तो होता तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ, मैंने इसके साथ बातचीत कर रही हूँ, तो बस जी खैर चलिए अभी यहाँ पे मैं नहा लूँ धो लूँगी, ये भी चली जाएगी अपना काम करके, फिर मुझे जाना था प्यू के डैडी के साथ मार्केट टाइले वगैरह लेने के लिए, तो बाहर की साइड जो है वहाँ पे टाइले लगवानी थी तो हमें, तो जी इसलिए मैं हो गई हूँ रेडी और सुमिता चली गई है अपना काम करके। अभी मुझे और इन्हें दोनों को जाना है टाइले लेने के लिए। मैं बता रही थी जैसा बाहर का जो एरिया है वहाँ की, मेरी ना। जुतियाँ कहाँ गई? आई हम जाएंगे, मैं पी ये देखते हैं जो भी ठीक सी लगेगी वो लेके आएंगे बाहर के लिए। अरे यो देख लो, यो तो नहीं आज हटने का मुझे दिखे बेचारा, आज तो ये सारा ही करके जी भी हटागा है किचू, ये तो यही लगा रहेगा इनके दोरे। क्या हुआ आपके? मगर क्या हुआ आपके? कुछ नहीं, वो ये देख रहा हूँ इसकी तबीयत बढ़ गई। कहाँ से ये? ये वाली। अच्छा ये तो यहाँ पे इन्होंने टाइल लगा रखी ना, और बाकी जगह अच्छा सारी जगह भी टाइल ही है, इसे कर देंगे ठीक, अभी तो ताजी है, अभी तो हो ही जा अभी ठीक है। क्या नाम तेरा? संजू। ऐसी लग रही है टाइल जो जैसे ना लगी। अरे ये ऐसे इधर वाली टाइल निकाली ना तो उससे ये झड़ गई पॉलिश, तो अब ये कैसे बनेगी? ये भी उतरेगी। अरे कटिंग का यहाँ इतना इतना काट के या कि आधी काट के दूध टूटे 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 लगावेंगे ये। अरे ये जो पीछे को हो रही मसाला से भर के थोड़ा इधर को कर दो ना भैया, टक्कर खत्म हो जाएगी नीचे से। क्या तो जी यहाँ पे हम आ गए थे यहाँ पे, इस पे शोरूम से में जो भी होता होगा ये बड़ा सा गोदाम सा यहाँ पे हमने देखी है टाइले, और वही हमेशा की तरह हमारा कुछ ऐसा ही है कि सिंपल सोबर सा देख के, बल्कि पीयू के डैडी को इस बार ब्राउन था, मैंने कहा नहीं पीयू के डैडी पूरा घर हमने वाइट करवा दिया, अब बाहर की साइड जाके बिल्कुल काली काली सी टाइले लगवाएंगे, मैंने कहा अच्छी नहीं लगने की। तो बहुत देर तक हम लोग देखते रहे, और बल्कि हमने पसंद भी की, सारा कुछ किया जो हमने पसंद की, उसमें क्या हुआ कि घर जो भेजी वो 3-4 डिजाइन की भेज दी उसी में, तो इतने परेशानी हुई कि मैंने कहा भाई मेहनत भी पूरे दिन की खराब, क्योंकि जो हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं वो दिहाड़ी पे हैं, ठेके पे नहीं है, और एक एक दिन की दिहाड़ी आप जानते ही हैं कितनी है, 2-2.5 हज़ार रुपये आराम से चले जाते हैं, और सुबह से कुछ ऐसा काम भी नहीं हुआ, पहले देखने गए फिर आके वो मतलब सामान बाद में आया करके, और फिर आके देखा तो वो भी शुक्र है कि मैं जब वो लगाने लगे तो मैं अचानक से बाहर चली गई, जहाँ मैं वो काम कर रहे थे ना मिस्त्री जी बाहर वाली साइड, तो मैं अचानक से ही वहाँ पे चली गई, मैं कहने लगी मैंने कहा भैया ये मुझे टाइले 2 शेड की लग रही, वो कहने लगे नहीं भाभी ये तो वही है, तो फिर वो देखी खोल के, मैंने कहा ये तो ब्राउन सी लग रही जो हम लेके आए थे, वो तो लाइट सी पर्पल सी थी बिल्कुल लाइट सी मल्टी कलर से की तो कुछ ऐसी, तो वो फिर खोल के देखे डब्बे सारे तो 2-3 डिजाइन उनमें से निकले, वो फिर पूरा दिन हमारा मतलब ऐसे ही वेस्ट हुआ, मतलब कुछ नहीं समझ में आया। देखने गए थे ये वाली जो पर्पल सी दिख रही है ना, ये वाली जिसको मैंने हाथ लगाया, ये वाली हम लोग पसंद करके आए थे, और इन्होंने इसमें पता नहीं क्या क्या 2-3 डिजाइन करके भेज दिए, तो वहां से टाइले वगैरह देख के पैक करवा के हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये अलमारी जो बनने के लिए दी हुई है एक दिन पहले आपने देखा होगा, तो ये अब सारा इसमें इन्होंने नए बोर्ड वगैरह लगाए हैं, जो पुरानी का लग गया वो लग गया, जो नया था वो नया लगवाया, तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसमें ये एक और पार्टीशन ऐड करवाया है, तो वही देखने आए थे ये मिस्त्री जी बोल रहे थे कि एक बार आके देख जाओ फिर मैं फिक्स कर दूंगा वहां पे, तो यहाँ पे पीयू के डैडी मैं ये हैंगर वाला है ना ऊपर, तो मैं इन्हें हटाने के लिए बोल रही थी, ये कह रहे थे कि लगा रहने तो साड़ी वगैरह टंग जाएगी, मैंने कहा चलो देख लो, तो जी इस तरीके से कर करके धीरे 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 सारी चीजें होने लग रही हैं, कुछ नए को पुराना कर रहे हैं, सॉरी नए को पुराना नहीं कर रहे, कुछ पुराने को नया कर रहे, कुछ नया देख रहे, कुछ सारा कुछ, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें होने लग रही है, आप लोगों का साथ है
तो सब कुछ जल्दी ही पूरा हो जाएगा और जल्दी ही वो दिन आएगा कि जब मैं आपको फाइनली अपने पूरे घर का होम टूर करवा पाऊंगी, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तो तब तक तो देखिए कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो खैर चलिए इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बहुत सारा प्यार दें।